शाजापुर के काला पीपल में आदर्श ग्रामीण पटेल संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार राजा राम करजरे को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्राम राजस्व वसूली पटेलों ने बताया कि सरकार द्वारा पटेलों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ग्राम वसूली पटेल वर्षों से ग्रामीणों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता आ रहा है। साथ ही वसूली पटेलों का कहना है कि बीते 13 से 14 वर्षों के कार्यकाल में सरकार द्वारा हर कार्य में अनदेखी की जा रही है, जबकि वसूली पटेल ग्रामीण व राजस्व विभाग के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। अतः सभी वसूली पटेलों को पंचायत में स्थायी पद व मानदेय दिया जाए। मध्य प्रदेश ग्रामीण आदर्श पटेल संघ द्वारा पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर तहसील इकाई के द्वारा ग्राम के वसूली पटेलों द्वारा अपनी कुछ मांगे शासन को बताई गई है, उसी के आधार पर हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है। क्या मांग है? मांग ये है कि पटेल प्रत्येक गाँव में राजस्व विभाग का स्थायी सदस्य होता है और उसको सरकार कहीं ना कहीं अपनी जो गतिविधि है उसमें उसको सहभागी नहीं बना रही। इस कारण पूरे प्रदेश भर में आज तहसील स्तर पर ये अपनी मांगे रखी है कि उसको पंचायत में कुछ स्थायी पद दिया जाए, कुछ मानदेय तय किए जाएं और शासन की जितनी भी नीतियाँ हैं ग्राम स्तर की उस पर उनको सहभागी बनाए। इसी आधार पर आज हमने तहसीलदार महोदय को अपन दिया। अच्छा, देखा जा रहा है कि पटेलों का अनदेखा किया जा रहा है? बिल्कुल अनदेखी हो रही है। उसके यहाँ तक कि अभी जो सर्वे का कार्य हुआ, ग्राम कोटवार सबसे निम्न इकाई रहती है, ग्राम कोटवार रोजगार सहायक, सहायक सचिव, सरपंच और पटवारी, इनको भूमिका दी सर्वे कार्य में, जबकि प्रत्येक गांव का पटेल वहाँ का बड़ा कृषक भी होता है, जानकार होता है और जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उसको सर्वे में कहीं भी उसकी भूमिका नहीं तय की गई। इसी आधार पर आज हमने माननीय तहसीलदार साहब को क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये है कि हम आपको आगे की मैं आपकी कार्रवाई करता हूँ और आने वाले जितने भी क्रियाकल्प बनते हैं शासन पटेल उसमें उसकी सहभागिता निश्चित करेंगे। क्या नाम है? रामनारायण परमार। मैं प्रदेश का कार्यकारी सदस्य हूँ आदर्श पटेल संघ। जैसा जिस टाइम से पटेलों का कोई संसाधन गांव के अंदर नहीं होता था, उस टाइम पटेल एक बहुत जवाबदार आदमी होता था और कोई भी शासन का व्यक्ति अगर जाता था, मान लो तहसील का, पुलिस का या कोई भी, तो पटेल कहें उसकी पूरी व्यवस्था रहती थी और पटेल उनकी पूरी संभाल करता था और गाँव में जो भी समस्या होती थी उसमें पटेल सहभागी बन करके उसकी समस्या हल करता था। अगर गांव में किसी के साथ भी कुछ घटना होती तो उसमें पटेल पहले जाकर खड़ा होता था। जिस टाइम पे कोई संसाधन नहीं था उस टाइम पे सरकार ने पटेलों को मैंने उपयोग करा। आज जैसे मान लो सब कुछ होते थे, मोबाइल व्यवस्था है, गांव में टेलीफोन है, सब व्यवस्था है, जब भी मतलब पटेल को मैंने गिरी हुई नज़र से देखा जाता रहा है और पटेलों के कोई वो आज पटवार जो था पटेलों के हाथ में रहता था, आज पटेल को जो कोई भी कार्यक्रम गांव में अगर होता है शासन का, वो पटवारी जाता है या कोई भी पंचायत के स्तर का काम होता है तो पटेलों से कोई भी उसकी जानकारी नहीं ली जाती। काला पीपल से संदीप गहलोत की रिपोर्ट।